बंधन के मुटियाया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियाया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा खनके मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी चार चार हो गए, निकल रहे हम लोग जा रहे हैं आज घूमी करने शंगर जो कि कुल्लू शहर में पड़ता है। तो अभी हमें तैयार हो गया, अलका भी तैयार हो गया और 4:45 हो गया। हमको 4:45 पे वही मिलना था सड़क में बस के पास, तो अभी हम लेट हो गया। मैं आपसे सीधा बात करती हूँ, मैं ट्रैफिक आ रही हूँ। बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग कहीं पता नहीं कहाँ पहुँचे, ठीक है, आंधी से आगे आ गया, कहीं एक स्टॉप लिया है यहाँ पर, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो रहे थे और गाइस आपको मिलाती हूँ। हाय। हेलो। हाय, कैसे हो आप? बहुत अच्छी। कैसी रही आपकी यहाँ तक की यात्रा? बहुत अच्छी रही है। हम तो बहुत ही इंतजार कर रहे थे आप जी ब्लॉग में आने का। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। अच्छा, थैंक यू सो मच। परे इस मुक्कू को ब्लो, ये ध्यान आ जाता है। ये तो आपके कौन पर्दे का पीछे परे कौन ये मुक्कू चल कोई ना, शर्माना नहीं चाहिए वैसे। अभी हम इधर थोड़ा बहुत ऐसे ही है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो रहा है। सो अभी हम पहुँच गए जलोड़ी ज्योत और एकदम मस्त है ना यहाँ पर, ठंडा ठंडा और ये ऐसे अर्ध नग्न कपड़ों में ना ठंड लग रही है मुझे। इधर गर्म कपड़े भी हैं। इधर तो चलते हैं, अब मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अपना। वहाँ पे मंदिर है और यहाँ से ना सेवल सर के लिए भी सीधा रास्ता जाता है उधर को। बच हम अभी और गाइस मेरे साथ ना एक लोल हो गई है, देखो सब्जी। अलका महारानी ने हमारी इतनी ऑयली सब्जी बनाई थी कि ऑयल निकल के अचार का ऑयल आ गया, सारा मेरा वो हो गया। सुनी थी हाय मुस्कान। परिक्रमा करते हैं, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि इतना गंदा दाग लग गया था इतना, जितना मैं बंधन के आई थी सारा मेरा ऐसा हो गया। अरे फोटोज अंधेरे आ रहे, पीछे को आ रहे ना। हाँ चलो गाइस, भूख लग गई मेरे को तो अब बहुत ज्यादा। और ये बेचारे गुड़िया जी थे ये दर्शन करने, आज इन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया यार। आप लोगों ने देखिए ये था परांठा जो इस साल में अमरा हुआ। आप लोगों ने कुछ नहीं खाया? हमने खा लिया, वो कुछ नहीं खाया मतलब दर्शन नहीं किए, दर्शन हम यहीं से कर लिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओके चलो हम भी खा लेते हैं। Thousand years later. Mm-hmm.
गाइस अभी अपने अपने कामों में लग गया है। हाय कितनी प्यारी प्यारी भेडू है, भेडू नहीं लेने, भेडू के साथ फोटो लेने हैं। अगर भेडू मारे था नहीं नहीं पहली बार बढ़िया था गाइस, अगर भेडू ने मारा सिंह था आई होइंग डिंग था। अच्छा डिंग था, ओके डिंग गई तेरा मेरा तेरा मेरा। अच्छा आज रास्ते में हम लोग ऐसे सोच रहे थे ना उतना ज्यादा सुंदर नहीं होगा, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि बागेश्वर वाली फील आएगी, बट नहीं गाइस ये तो बहुत ज्यादा सुंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खजियारा ही हूं गाइस। हमने अपनी चीजें भी नहीं खाई गाड़ी में, क्योंकि हमारे को नींद लगी थी। अच्छा मैं तो फुल ऑन सोई, मैं तो बहुत सोई अभी तक आगे। मैं तो जब ऐसी जगह पाती ना मेरे को ऐसा लगता है बस मैं नहीं ब्लॉग कर जाऊँ आराम से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा से मस्त वाला फिर, और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही अभी देवता मंदिर, तो बस दर्शन वगैरह कर लिए, अब थोड़ा सा लंच वंच करते हैं। इसकी कान में छेद पड़ा है शायद, इसको टैंक लगा था पहले यहाँ पे। चीज बहुत ज्यादा सुंदर है, और मेरा मन ना ऐसा कर रहा है कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ आराम से छाया में और मस्त इंजॉय करूं, बट ऐसे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा एक जगह। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। ये सारा दल दल सा है पानी वाला, शूज गंदे हो जाएंगे, थोड़ा संभल कर जाना होगा। ये देखो ओ भाई भाई भाई, ये देखो पानी वानी है इसमें, मैं इसके बीच फंस गई हूँ क्योंकि वहाँ से भी जाने का कोई स्कोप नहीं है, इधर को भी जाने का कोई स्कोप नहीं है, इधर को भी नहीं जाने का, ये पानी है पानी है इधर, तो थोड़ा घूम फिर के जाना होगा। रास्ता है ही नहीं, ए आ जा इसको ले जा, स्ट्रगल ऊपर से, ओके पीछे से लाती मैं, पीछे मार दे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गाइस। हमने वो क्रॉस कर दिया, अब इधर आके बैठेंगे थोड़ा सा, वैसे आपको भूख नहीं लगी, सब लोग लंच वंच कर रहे हैं बट आपको भूख नहीं लगी है क्योंकि हमने बस में इतना ठूस लिया था ना, लेके तो कुछ आया 10 दिन के लिए आया है। मम्मा नन्ना नन्ना, मैं उसकी तरह करती हूँ बिग बॉस में, वो नहीं है कितनी इरिटेटिंग से, वैसे अच्छा बेटा। हाँ तो मुझे मच्छरों ने इतना ज़्यादा खा लिया था, मेरी इसमें को इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी कि खुजा खुजा के मैंने ब्लडी निकाल दिया था पैरों से अपने। थैंक यू सो मच इतने सुंदर सुंदर छाया चित्र लेने के लिए, अरे इतने क्यूट क्यूट से नहीं मार में मार, इस अलका को अलका के अंदर घोपी दे ये सिंह। काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी है गाइस, और पानी जो है इस बॉटल में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो ये वाह कितना सुंदर मंदिर है यार, तो यहाँ पे हमें लग रहा है शायद इसमें पानी होगा कि नहीं होगा, होगा तो भरेंगे, नहीं होगा तो फिर प्यासे मरेंगे। मेरी तो फोटो भी अच्छी नहीं आ रही यार, और शक्ल देखो शक्ल, इतनी ज़्यादा धूप, पहले ही ऐसी टैनिंग हुई, आज तो और ही बन जाऊँगी।
बेटा जी दो चपाती खा के मन नहीं भरा, हमें भी खाने दो, हम भी भूखे हैं, हम बड़ी दूर से आए। ये बड़ा शरीफ है बेचारा सा, ये पीछे से बाहर करेगा। सुनिधि सुनिधि दोस्तों अब हम रच चुके हैं पूरी तरह से, फोटोज वीडियोस ले लेंगे तो मेरे को तो ऐसे आ रहा है कि बस हो गया अब चलो अब, और फ़ोन में बैटरी भी नहीं रह गया, बैटरी भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिंदगी झंडा है, तो बस सब लगे अपने अपने काम धंधे में। जाते दर्शन करा देते दोस्तों आपको, बट क्या ही दर्शन कराने हैं ना, चलो झोले चखते हैं अपने। जिस एनर्जी के साथ सुबह आए थे ना वो एनर्जी अब बिल्कुल भी नहीं बची है दोस्तों, एकदम ख़त्म हो गया। अब तो बस ऐसा है बस में बैठेंगे तड़के। ये इसकी सब्जी भी होती ना, बट ये तो नहीं होगा शायद, बट ऐसी ऐसी होती है ना, खाई आपने? बट ये नहीं है। अब बताइए ये कौन, अब बताइए कौन सा गाना गाई थी? मेरी बाइक लेना तो ले लेना एक। नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा, निदेशक हिम इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट रामपुर बुशहर से। आज रामपुर बुशहर से हमारे लगभग 43 बच्चों का जो कि स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम लोग आज कुल्लू के सेंज वैली में, शांगढ़ जगह है जो कि नेशनल पार्क है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को गर्मियों से थोड़ी राहत देने के लिए, और जो पढ़ाई का एक बोझ होता इनके व्यस्ततम जो शेड्यूल है उससे थोड़े से कुछ पल इनके एन्जॉयमेंट के लिए, इनकी खुशियों के लिए चुराने के लिए यहाँ पर हम लाए हैं। 43 स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ मेरे साथ हैं, हम लोग यहाँ आए हैं और बच्चों की एक तरह से पिकनिक टूर भी हो गया, एक ये शैक्षणिक भ्रमण भी हो गया। आप भी अगर चाहें तो आप इन कोर्सेज को का लाभ लेने के लिए, इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए जो है HIRD रामपुर ब्लॉक ऑफिस खोपड़ी में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Volume up, I'm gonna make it. I'm gonna make it.